हेलो दोस्तों, पंजाब पुलिस के टैलीनेट असिस्टेंट एंड इन्वेस्टिगेशन क्रेडिट कॉन्सटेबल के अज एग्जाम से जी। तो जिन्होंने भी वह पेपर दिता जी, उन्होंने वैसे तो उन्होंने ओएमएस शीट की फोटोकॉपी मिल गई होगी जी। तो 48 घंटे बाद मैंने कि ता क्वेश्चन पेपर पोर्टल से आ जाना वा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के दसया गया सी। उस तो बाद तुसी अपना मतलब कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कि आंसर बनता वा, तुम कि आंसर लाया वा, वो अकॉर्डिंग देख सकते हो तेरे किन्ने आंसर सही आ जी, किन्ने गलत आ। ठीक है जी। तो इन्हें मतलब कि पंजाब पुलिस की पोर्टल आ जी, इतने क्वेश्चन पेपर आऊगा, बाकी जो भी आऊगा इनफॉर्म जरूर कर देंगे जी। बाकी जिन्होंने भी अज एग्जाम दिता तो उन्होंने पता लग भी गएगा किदा का पेपर आ रहा है, की पैटर्न रख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने अगले पेपर की तैयारी कर सकते, जिदा हैड कॉन्सटेबल की होगी, सब इंस्पैक्टर की होगी। तो मैं भी तुम्हें दसागा कि चीज़ा आई हैं, क्योंकि अज एग्जाम दिता सी मैं भी। तो इस तरह की ओ एम एल शीट ताकि मतलब कि तुम दी जाती फोटो कापी एक, बाकी असली वो रख लेंगे तो यदि फोटो तुम दे देंगे। तो एक साथ ही मतलब कि तुम मान सकते हो कि ओ एम एल शीट तुम मिल गई है। हूँ जो क्वेश्चन पेपर मतलब कि पंजाब पुलिस की पोर्टल साइट पर मतलब कि आएगा, तो मतलब कि देख सकते हो कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर की बनता वा, तो असी की लाया वा, वो अकॉर्डिंग तुम अपने देख सकते हो किन्ने सवाल सही हो रहे हैं, किन्ने गलत हो रहे हैं, किन्ने नंबर आ रहे हैं, कि तुम्हें तैयारी करनी चाहिए कि फिजिकल टेस्ट की किदा। तो बाकी है कि जिन्हों का एग्जाम अज हो दस देना चाहना वा, बाकी है कि इतने साइड से रोल नंबर हों लिखा, तो सेंटर कोड तो सिटी कोड वगैरह हों, तो इतने कोड जो हों पेपर का ता सैन सैन मतलब कि स्टैंप वगैरह लगती है जी। तो इतने मतलब कि सैन ढे होंगे नीचे, इदा ओ एम एल शीट आऊगी ताकि जिसे तुम पेपर देना वा। तो बाकी है कि तुम कह रहे हो ना कि यह है जी बिंदियाँ सही नहीं लगियां, क्योंकि जी असली जी होंगी वो आप सही लाते जी, फोटो कॉपी होंगी वो नीचे सही नहीं आदि। ठीक है जी। वैसे आप एसटीमेट लगा सकते हैं कि तुहाडे किन्ने नंबर बनते पे आ। बाकी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट वालों भी अपनी आंसर की जी हैगी ऑफिशियल वो जारी कर दी जाऊगी, पहले प्रोविजनल, फिर वो रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्शन होगी, फिर वो ला के तुम मतलब कि अपने सही करा सकते सवाल, तो फिर फाइनल आंसर की आ जाऊगी, वो बाद रिजल्ट आऊगा, उस तो बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा अगे वह फिजिकल टेस्ट होगा। तो बाकी मैं दसदा कि पेपर के चीज़ पूछा गया से, ज़्यादा कि पोर्शन ज़्यादा रहा है, तो आप गल करते हैं जी। तो पहली तो मैं गल दसना चाहना कि जोड़ा पेपर पहला आया से ना, प सब तो ज़्यादा तो आई सी शॉर्टकट की, शॉर्टकट की। ठीक है। तो बाकी होर आया सी जी एक योजना कि जी शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछा गई, इस करके तुम एम एस वर्ड, एम एस एक्सल, एम एस पावरपॉइंट से पढ़ के जायो जी। आर्टिकल क्वेश्चन आए ही गेम्स ना रिलेटड आए थे, सिरमे ना रिलेटड आए थे, तो पंजाब ना जी के ना दो सिर्फ क्वेश्चन सी, होर ज़्यादा नहीं है सी, मतलब कि पंजाब जी के नहीं ज़्यादा हैगी सी, तो ज़्यादा करंट अफेयर ही पूछा गया सी। इस करके तुम अपने करंट अफेयर के योजनावान कि अवार्ड दिता गया, कि नियुक्ति की गई, वो बारे तुम जरूर देखियो जी। तो बाकी है कि मैथ रीजनिंग तो ईजी सी, ठीक है, जिदा बारग्राफ हो गए, बॉड मास हो गए, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंट्रस्ट, कंपाउंड इंट्रस्ट, तो नंबर सिस्टम तो सी ज़्यादा एग्जाम, कंप्यूटर का भी रिलेटड है सी, पर कथन सी कंप्यूटर के ज़्यादा शॉर्टकट किया सी। तो यह कि पेपर का लैवल ज़्यादा आप हार्ड भी नहीं कह सकते, ज़्यादा सौखा भी नहीं कह सकते, मीडियम जहा सी। तो यह कि जिन्होंने तैयारी की उन्होंने ही तो ईजी सी सारा कुछ। तो जी पंजाबी इंग्लिश आई है जी वो भी ईजी सी, कि पैरे दिए गए से उन्होंने लभने क्वेश्चन, तो पंजाबी भी सौखी सी, क्योंकि पंजाबी के तो नंबर रसा नहीं प्राप्त कर सकते हो 50% नंबर, तो यह कि पंजाबी का ही पोर्शन सौखा सी, क्योंकि मुहावरा एक आया सी, एक खाण आया सी, एक शुद्ध आए सी, शुद्ध शब्द लभना सी, तो एक पैरों के बस लभने से आ चीज़ा सी, और कोई नहीं ज़्यादा है ही पेपर। तो बाकी कथन पूछे गया सी आदे, तो बाकी है कि पेपर का लैवल जिदा हूँ आया वा, जो अगला पेपर आता तो वधिया सौखा ही होगा। बाकी फिर भी तुम अपना आर्टिकल से शॉर्टकट की जरूर पढ़ियो, ये चीज़ा जो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट आ, इन्होंने तुम्हें सवाल एक ना दो तीन देखने को मिल जाएंगे जी। तो बाकी जोड़े कैंडिडेट कह रहे कि शॉर्टकट की दूजा क्वेश्चन पेपर कितों आऊगा जी, उन्हें 48 घंटे टाइम दिता है जी, तो मे बी अज या कल तक ताकि मतलब कि क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। बाकी ट्राई करूँगा कि इनफॉर्म कर देव, तो बाकी कि जो भी आते हैं तुम वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, तो किड़ा सैट हैगा सी वो अकॉर्डिंग देखो किन्ने सवाल सही होंगे तो किन्ने गलत होंगे जी। तो ऑल दी बेस्ट जिन्होंने अगले पेपर देने, अपनी तैयारी रखो सारे जने।